हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पंप रूम के बारे में बताएंगे। पंप रूम में क्या-क्या होता है? तो ये हमारा पंप रूम आ गया है। पंप रूम मींस ये प्लम्बर के अंडर में रहता है, यानी कि पंप रूम को प्लम्बर जो है अपना ऑपरेट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम पंप के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना एक रो वाटर टैंक होता है। रो वाटर टैंक किसको बोलते हैं? जिसमें कुएं एंड पंप, या जैसे बाहर से अपना सप्लाई का जो पानी आ रहा है डायरेक्ट जिस टैंक के अंदर आता है उसको हम रो वाटर बोलते हैं। तो उस रो वाटर के पंप से पानी लेने के लिए ये अपने दो पंप लगे होते हैं। इसमें वन टाइम में वन पंप चलाते हैं, वन पंप स्टैंड बाई रहता है। अच्छा, इस रो वाटर को अपने ये पंप उठा करके ये अपने सॉफ्टनर प्लांट के अंदर ले जाते हैं। सॉफ्टनर प्लांट मीन्स जैसे नाम से ही क्लियर है, पानी का सॉफ्ट होना। जो रॉ वाटर आया है जिसमें अपनी हार्डनेस या उसमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह है, उस मिट्टी वगैरह को, हार्डनेस को, ये अपने जो फिल्टर हैं, ये DMF, फर्स्ट नंबर DMF फिल्टर है। इसमें जो है अपना सबसे पहले रेत या मिट्टी जो भी होगा पानी के अंदर वो अलग करेगा ये फिल्टर। इसके बाद में ये ACF फिल्टर है, टैंक है, ऑटोमेटिक कार्बन फिल्टर। ये जो है अपने पानी को पूरी प्योरता से शुद्ध कर देगा, फुल प्योर। और उसके बाद ये पानी जो अपने सॉफ्ट वाटर टैंक में चला जाएगा। इसके बाद एक होता है, जैसे इसी में रो वाटर पंप का एक ये दूसरा सेट है, यानी कि यहाँ पे एक पंप रूम में के अंदर दो सिस्टम लगा दिए गए हैं। एक पानी पीने के लिए करना है शुद्ध, और दूसरा पानी करना है जो अपनी मशीनरी है, जैसे चिलर्स है और डीजी सेट है, उनका जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में पानी यूज जो करते हैं वो भी एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो इसके लिए सिस्टम अलग से लगा दिया गया है ताकि एक सिस्टम पे लोड ज़्यादा ना हो, इसकी लाइफ अच्छी बनी रहे, इसलिए इन्होंने दो सिस्टम बना दिए हैं मशीनरी के लिए। और ये बिल्डिंग